हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी टेस्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में G20 समिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण आपकी वीडियो रहने वाली है क्योंकि हम अपने आप जो आज G20 समिट हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इंडिया में, वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें क्या आपकी हिस्ट्री रहने वाली है, G20 की मेंबर्स कौन कौन है, स्ट्रक्चर क्या है, न्यू दिल्ली में क्या कुछ हम डिस्कस करेंगे और हमारे इंडिया के लिए ये आपकी कैसे महत्वपूर्ण है, कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो G20 हम बार बार सुन रहे हैं, तो G से मीनिंग है ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप ऑफ 20 का आपका ये देखने को मिलता है, जिसमें आपके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के गवर्नर या फिर गवर्नमेंट्स के आपके लीडर्स हैं वो आपके रहते हैं। 19 कंट्रीज प्लस आपके वन यूरोपियन यूनियन आपका रहेगा, यानी कि 19 प्लस वन, ये आपका 20 का आपका एक ग्रुप है जिसमें आपके कंट्रीज आपस में डिस्कस करते हैं कुछ पहलुओं के बारे में। ये 1999 में आपका एस्टेब्लिश किया गया और इसका मेन एम ये है कि जो भी ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ आपके देखने को मिलेगी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है, आप ये समझें कि ये जो G20 है ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जो नेशंस हैं वो डिस्कस करते हैं और कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक ग्लोबल इकोनॉमी को एनहांस कर सकें। ये आपका इसका महत्वपूर्ण चीज रहती है जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं, राइट। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो आपके जो भी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था उस 1997-98 में, उस समय ये आपका एस्टेब्लिश किया गया G20, और ये आपके पहले G7 था, फिर बाद में धीरे धीरे ये आपका G20 बनकर रह गया। और ये आपका एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो ऐसा था कि आपकी एक कंट्री ने कहीं ना कहीं अपनी जो $1 है हमारा, $1 का आपका अप्रोक्स मान सकते हैं कि 70 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये आपका $1 से आपकी उस कंट्री ने, अगर हम यहाँ पर 70 से 80 कर दें और ये सोचें कि हमारे जो कंट्री है उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा आउटर जो कंट्रीज हैं वो भाग लेंगी ग्लोबली, आपके कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करेंगी और उसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये आपका उस कंट्री का मानना था। लेकिन उसको रोकने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारी जो अगर कीमत कम कर दे तो जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आने लगेगी, इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इस क्राइसिस को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी मेजर इकोनॉमीज हैं वो आपके ग्लोबल लेवल पर आपके आई और अपने आप को एड्रेस किया। G20 में आपके एक मीटिंग होती है जिसमें आपके फाइनेंशियली मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते थे, लेकिन उसको अपग्रेड कर आप इसमें लीडर्स भी आपके समिट में पार्टिसिपेट करने लगे और ग्लोबल जो फाइनेंशियली क्राइसिस हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। G20 आपके जो है उसमें आपका रोल ये है कि जो भी आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमी है उनके बारे में जो भी एजेंडाज हैं उनको सेव करें, उनको कोऑर्डिनेट करें ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और ताकि भविष्य में कैसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, कैसे उसका इकोनॉमिक एजेंडा रहेगा, वो सभी चीज़ें इंटरनेशनली हम अपने एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इस साल इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, पहले हर साल अलग अलग कंट्री होस्ट करता है। ये आपके 20 आपके जो पार्ट्स हैं वो आपके देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं इस G20 के पार्ट हैं, राइट। ये आपकी लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं विद मैप आपका दिया हुआ। G20 का स्ट्रक्चर क्या है, तो G20 में आपके G20 लीडर समिट में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती हैं जो कि आपके इसको अटेंड करती हैं, और जो भी आपके स्टेट के और गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनेंशियल जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, वो इसमें आपके पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिस्कस करते हैं ग्लोबल पॉलिसीज के बारे में और जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और सभी के सामने ये चीज़ें रखते हैं। या उसके साथ साथ जो भी आपके हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं वो आपके कंट्रीज के रिगार्डिंग आपके प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि हम आगे कैसे काम करने वाले हैं, तो ये आपका इस मीटिंग में होता है। G20 में आपके जो भी वर्किंग ग्रुप्स हैं, जो भी इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जो भी स्टेक होल्डर हैं या बिजनेसमैन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन या सिविल जो सोसाइटी है वो पार्टिसिपेट करती है और अपने आप को एड्रेस करती है कि हम ये चीज़ें आपकी इसमें करने वाले हैं ये भविष्य में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी रहती है। न्यू दिल्ली की जो लीडर्स समिट है इसमें आपके ये जो G20 की समिट है उसको हम न्यू दिल्ली लीडर्स समिट कह
कह रहे हैं, क्योंकि आपकी ये जो होस्ट हो रहा है ये इंडिया के द्वारा हो रहा है, और दूसरी बात ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, तो इस वजह से न्यू दिल्ली लीडर समिट भी इसको नाम दिया जा रहा है। G20 में फर्स्ट टाइम आपका देखने को मिलता है कि जो आपका इंडिया है वो होस्ट कर रहा है। इसके साथ साथ इसमें आपके जो सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके प्रोवाइड कराए जाएंगे, इंडिया को एक शोकेस करने का मौका मिलेगा, यानी कि एक लीडरशिप के तौर पर दुनिया को ग्लोबल चैलेंजेस को, जैसे आपके क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ग्लोबल हेल्थ है, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करेगा इंडिया, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे पास एक शोकेस करने का मौका मिलता है और ये आपका ग्लोबल प्लेटफॉर्म रहता है। इंडिया में आपके जो भी आपके इंक्लूसिव और सस्टेनेबल जो आपकी इकोनॉमी रिकवरी है फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, डिजिटलाइजेशन, आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इंडिया के इतिहास में, राइट। G20 के इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? तो सबसे पहले तो आपको G20 करने के लिए इंडिया में हो रहा है तो ग्लोबल लीडरशिप मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा, प्रमोट होगा इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को डिस्कस करेंगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, कोई ना कोई कंट्री तो इसमें पार्टिसिपेट करने या फिर कहीं ना कहीं आने की सोचेगा। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे अपने मल्टीलैटरलिज्म को, एड्रेस करेंगे ग्लोबल चैलेंजेस को जो कि आपके इंडिया में होने वाला है, तो सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे कहीं ना कहीं इंडिया का होने वाला कुछ ना कुछ लाभ रहेगा, राइट। G20 में कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो कि आपके 9 हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियली इंक्लूजन और डिजिटलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल हेल्थ एंड पेंडेमिक प्रिपेयरनेस, रिफॉर्म एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और आपके सस्टेनेबल ग्रोथ, इक्विटेबल इंक्लूसिव के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को रख सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ 9 पहलू हैं जिनके बारे में हम इंडिया की प्रायोरिटी रहेगी G20 में रखेंगे। अभी तक आपने जान लिया कि सभी चीज़ों की, अब कंक्लूजन पॉइंट पे जाते हैं। तो G20 ये जो कि हम ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फॉर्म है जिसपे हम अपने आप को ग्लोबली इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज को कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे एड्रेस कर सकते हैं और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। 1990 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, 19+1 आपके 20 आपके इसके पार्ट हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया है वो आपका इमर्जिंग इकोनॉमी है और G20 में कहीं ना कहीं होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को शोकेस करने की। हम ग्लोबल लीडरशिप भी करते हैं और प्रमोट करते हैं अपनी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल हेल्थ को कहीं ना कहीं शोकेस करेंगे जिससे हमें एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है। G20 में आपके जो भी ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल पॉलिसी डिस्कशन का मौका मिलेगा जिसमें हम अपनी जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट जो इंटरेस्ट है उनको एडवांस कर सकते हैं और अपने जो रेपुटेशन है वो इन्हांस कर सकते हैं। ये आपने पास एक मौका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी ये मीटिंग हमारे लिए होने वाली है, ये आपके प्रगति मैदान में आपका होने वाली है इंडिया में, न्यू दिल्ली में, प्रगति मैदान में, ठीक है। तो ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो भी दिग्गज नेता हैं या फिर तो जो भी आपके गवर्नर हैं या लीडर्स हैं वो आपके इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये हमारे लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये कुछ था इस वीडियो में G20 के रिगार्डिंग। होपफुली आपको सभी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की होंगी। ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें और लाइक अवश्य करें, हमें मोटिवेशन बहुत मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।